Good morning, everyone. Continuing with our next point, that is textile. India enjoy karta hai good image in textile industry from centuries. India largest cotton and jute producer hai world mein. India second largest producer hai fiber or silk ka in the world. और ये सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 14% टू टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड 13% टू टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग. और ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है ओवर 45 मिलियन पीपल जो हैं इस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं. और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है हमारी कंट्री का. देन इंडिया जो है इंजॉय करता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ स्किल्ड मैन पावर क्वालिटी इनपुट्स ओवर अदर मेजर टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन दी वर्ल्ड. इंडियन गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करवा रही है वेरियस कंसेशंस इस इंडस्ट्री को, जैसे लिबरल इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, टैक्स कंसेशंस, कंसेशनल लोन्स एसेट्रा. और ये जो इंडस्ट्री है उसके पास अच्छा पोटेंशियल है एक्सपोर्ट्स के लिए भी. जो डोमेस्टिक डिमांड्स हैं टेक्सटाइल की वो तो राइज कर ही रही है ड्यू टू इंक्रीजिंग इनकम ऑफ पीपल और कॉन्शियसनेस लोगों की अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड फैशन क्रेज. तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके पास पोटेंशियल है टू बी मैन्युफैक्चरिंग हब इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट. इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है उसका अच्छा नाम है वर्ल्ड में और ये होल्ड करती है ह्यूज शेयर इन दी ग्लोबल मार्केट. जो ITPBM है वो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर है इंडिया में. मोर देन 1/3 ऑफ जो इंडिया का सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट है वो यही इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है. इंडियन ITPBM इंडस्ट्री जो है उसका वाइड नेटवर्क है अक्रॉस ग्लोब. इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आईटी एनेबल्ड सर्विसेज का वर्ल्ड में. और मोस्ट ऑफ द जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं वो प्रेफर करती हैं अपनी आईटी रिक्वायरमेंट्स को आउटसोर्स करने के लिए इंडियन आईटी कंपनीज को. इंडिया में बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, नोएडा, गुरुग्राम जो सिटीज हैं वो इमर्ज कर रही हैं एज मेजर आईटी सेंटर्स. और जो अवेलेबिलिटी है टैलेंटेड वर्कफोर्स की वो लोअर कॉस्ट पर है, हाई ग्लोबल इमेज है. तो इन सारे फैक्टर्स के साथ जो इंडियन ITPBM है उसके पास ह्यूज पोटेंशियल है ग्रोथ के लिए. गवर्नमेंट ऑफर करती है वेरियस इंसेंटिव स्टार्टअप यूनिट्स को इस इंडस्ट्री के इन द फॉर्म ऑफ टैक्स हॉलीडे, कंसेशनल लोन्स एसेट्रा. गवर्नमेंट भी डेवलप कर रही है आईटी पार्क्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री में और सेक्टर स्पेसिफिक सेल्स फॉर द ग्रोथ of this industry. Next is electronics industry. ये भी one of the largest और fastest growing industry है इंडिया की. Electronic products जैसे telecom equipments, LEDs, consumer electronics, medical electronics, automobile electronics, industrial electronics etc. जो है उनकी demand increase हो रही है. और with the government policy of digitization ये जो industry है वो fast great pace पर जो है expect इससे किया जा सकता है कि ये ग्रो करेगी. जो गवर्नमेंट है वो ऑफर कर रही है वेरियस इंसेंटिव्स जैसे कैपिटल सब्सिडी, लैंड प्रोवाइड करवा रही है सब्सिडाइज कॉस्ट पर, रीइंबर्समेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट ड्यूटीज, इनकम टैक्स एग्जम्पशंस जैसे इंसेंटिव्स. जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट कर रही है डेवलपमेंट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स का विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और अवेलेबिलिटी है स्किल्ड मैन पावर की, टेक्नीशियंस की लो कॉस्ट पर और गुड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज के साथ तो जो ये इंडस्ट्री है वो ग्रो कर सकती है एट फास्ट स्पीड. देन है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग. इंडिया की जो करंट रिक्वायरमेंट है डिफेंस इक्विपमेंट्स की वो लार्जली मीट आउट होती है थ्रू इम्पोर्ट्स. जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एनुअली स्पेंड करती है अबाउट $20 billion ऑन द परचेज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स. रिसेंट ईयर्स में जो गवर्नमेंट है उसने फोकस किया है डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर इंडिया में और अपनी जो डिपेंडेंस है इम्पोर्ट्स पर उसे कम किया है. अब जो गवर्नमेंट है उसने डी रिजर्व कर दिए हैं बहुत सारे डिफेंस के आइटम्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग बाय प्राइवेट सेक्टर. जो गवर्नमेंट है उसने रेस की है FDI की जो लिमिट है टू 49% इन डिफेंस सेक्टर अंडर द ऑटोमेटिक रूट एंड 100% अंडर द गवर्नमेंट अप्रूवल रूट. और इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी जो FDI लिमिट है उसको भी इंक्रीज किया जा सकता है. और इस सब चीज़ों ने क्रिएट की है अपॉर्चुनिटी फॉर डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम. जो गवर्नमेंट है उसने स्ट्रीमलाइन किया है प्रोसीजर एक्सपोर्ट का डिफेंस आइटम्स का फ्रॉम इंडिया. और जो
और जो डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, अगर ये स्ट्रेंथन होगा तो ये जो डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स है कंट्री का, वो रिड्यूस करेगा, प्रमोट करेगा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को, क्रिएट करेगा अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम इंडिया. इंडिया में अवेलेबिलिटी है इंजीनियर्स की विद हाई कैलिबर एट रिलेटिवली लो कॉस्ट, जो फर्दर बूस्ट करेगा इस सेक्टर को. एंड इन द ईयर्स टू कम जो इंडिया है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है डिफेंस कॉम्पोनेंट्स के लिए और डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए भी. नेक्स्ट इज रेलवेज. जो इंडियन रेलवे नेटवर्क है वो थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड का, और लार्जेस्ट पैसेंजर कैरियर है, और फोर्थ लार्जेस्ट फ्राइट कैरियर है वर्ल्ड का. जो गवर्नमेंट है उसने ओपन अप किए हैं वेरियस एरियाज रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर प्राइवेट सेक्टर, और अलाउ किया है 100% FDI रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जैसे हाई स्पीड ट्रैक्स, रेलवेज, इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग सिस्टम, फ्राइट टर्मिनल्स, पैसेंजर टर्मिनल्स, रोलिंग स्टॉक, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स एक्सेट्रा को. इंक्रीज की है इन्वॉल्वमेंट डोमेस्टिक एंड फॉरन प्राइवेट सेक्टर की, और ये इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है इंक्रीज होने से बूस्टअप होगा रेलवे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, पर्टिकुलरली लाइक रेलवे कोचेज, इंजन, सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिफिकेशन इक्विपमेंट, एक्सेलरेटर्स एक्सेट्रा सेक्टर्स में. जो रेलवे है उसके पास गुड पोटेंशियल है फॉर स्ट्रेंथनिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. नेक्स्ट इज फार्मास्यूटिकल. इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है. इंडिया लार्जेस्ट सप्लायर है जेनरिक मेडिसन्स का वर्ल्ड में. इंडिया में जो लोग हैं वो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं. हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो ज़्यादा ग्रेट पेस से ग्रो कर रहा है, और जिससे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए. इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मेडिसन्स की वो सिग्निफिकेंटली लो है इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज. जो इंडियन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसके पास अच्छी टेक्निकल कॉम्पिटेंस है, स्किल्ड वर्कफोर्स भी अवेलेबल है लो कॉस्ट में. जो इंडियन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं विद US फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन एज ऑन मार्च 2014, वो हाईएस्ट थी इन नंबर, जो था 523 फॉर एनी कंट्री आउटसाइड द US, और ये शो करता है ह्यूज पोटेंशियल ग्रोथ का इस सेक्टर में. और इंडिया से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये रैंक करेगा अमंग द टॉप 3 फार्मास्यूटिकल मार्केट्स इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल ग्रोथ इन द नियर फ्यूचर. नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 8% इंडिया के GDP में. एज पर सेंसिस 2011 इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन है उसकी वर्ल्ड में. कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है उसमें हम इंक्लूड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को, कमर्शियल मॉल्स, टाउनशिप, स्मार्ट सिटीज, रेजिडेंशियल एरियाज को. जो गवर्नमेंट है उसने अलाउ किया है 100% FDI थ्रू दी ऑटोमेटिक रूट इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, और ये सेक्टर अकाउंट करता है सेकेंड हाईएस्ट इनफ्लो ऑफ FDI आफ्टर द सर्विस सेक्टर. स्वच्छ भारत मिशन जो है उसने फर्दर बूस्ट किया है इस सेक्टर को. राइजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग इनकम ऑफ मासेस, इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो ये फैक्टर हैं वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं इस सेक्टर के लिए. इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो रही हैं, गवर्नमेंट हैविली स्पेंड कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पब्लिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स को, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स को जो है इनकरेज किया जा रहा है, फॉरेन पार्टिसिपेशन हो रही है मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, वो इंक्रीज हुई है. और ये सारी जो फैक्टर्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इन स्ट्रेंथनिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज फूड प्रोसेसिंग. इंडिया रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्स है. इंडिया के पास रिच एग्रीकल्चरल बेस कंट्री है इंडिया. इंडिया रैंक करता है फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बनानास, मैंगोस, पपायास, जिंजर, लेमन, और सेकेंड इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, सनफ्लावर ऑयल, लेंटल्स, ड्राई बीन्स, एंड थर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कैश्यू नट्स, कोकोनट्स, गार्लिक, अनियंस, ग्रीन पीस, पोटैटोज, राइस, टी, वीट, टमेटोज एक्सेट्रा. जो इंडियन गवर्नमेंट है वो प्रमोट कर रही है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बाय सेटिंग अप मेगा फूड पार्क्स. जो कॉस्ट स्केल्ड मैन पावर की वो कम है इंडिया में. सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करवा रही है कैपिटल सब्सिडी और टैक्स कंसेशन फर्दर बूस्ट करने के लिए इस सेक्शन को, इस सेक्टर को. जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है दोनों प्रोवाइड करवा रही हैं कंसेशन, स्ट्रेंथन कर रही है सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को,
कोल्ड स्टोरेजेस और वेयर हाउसेज सेटअप कर रही है इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो मेजर ग्लोबल फूड प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग कंपनीज हैं, जैसे मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, नेस्ले, वो ऑलरेडी अच्छा बिजनेस कर रही हैं इंडिया में। जो इंक्रीजिंग प्रपोर्शन है वर्किंग वीमेन का, राइज कर रही है इनकम मिडल क्लास की, चेंज हो रही हैं फूड हैबिट्स, बिजी लाइफ स्टाइल्स हो रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जो ग्रेट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है टू द सक्सेस ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम। नेक्स्ट इज माइनिंग। इंडिया के पास वास्ट मिनरल रिजर्व्स हैं। जो गवर्नमेंट है वो वेरियस इंसेंटिव्स देती है, जैसे टैक्स कंसेशन, कंसेशनल लोन, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी सेक्टर। इस सेक्टर को गवर्नमेंट ने अलाउ किया है 100% FDI थ्रू ऑटोमेटिक रूट माइनिंग में, एक्सप्लोरेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ओर्स, कोल्स, लिग्नाइट माइनिंग, सेटिंग अप ऑफ कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन एक्सेट्रा में। डोमेस्टिक और फॉरन प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को इनकरेज किया जा रहा है और ये इनिशिएटिव जो है वो कर रहे हैं माइनिंग इंडस्ट्री को। नेक्स्ट इज टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। इंडिया के पास जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, अट्रैक्टिव बीचेस हैं, हिल स्टेशंस हैं, 32 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, और इसके अलावा स्कैनिंग टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म एक्सेट्रा भी पॉपुलर हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री बिग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सोर्स है और लार्ज फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है कंट्री के लिए। गवर्नमेंट जो है वो इम्प्रूव कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर, कैसे स्ट्रेंथन कर रही है एयर कनेक्टिविटी को, रेल रोड कनेक्टिविटी को, होटल इंडस्ट्रीज को वेरियस कंसेशंस दे रही है हॉस्पिटैलिटी इंप्रूव करने के लिए। गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है ह्यूज अमाउंट ऑन मेंटेनेंस एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ टूरिस्ट रिजॉर्ट्स, और ये सारे इनिशिएटिव्स क्रिएट कर रहे हैं गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर। नेक्स्ट इज हेल्थ एंड वेलनेस। इंडिया के पास अनमैच्ड हेरिटेज है इन आयुर्वेदिक, योगा एंड नेचुरोपैथी सेक्टर, और ये सेक्टर्स ऑफर करते हैं प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ केयर सर्विसेज। जो डिमांड है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी की और हर्बल प्रोडक्ट्स की, वो इंक्रीज हो रही है डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन मार्केट्स में, और इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आयुष एंड हर्बल प्रोडक्ट्स का वर्ल्ड में। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो होलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करवाते हैं हेल्थ के लिए और सॉल्यूशन है इमर्जिंग हेल्थ चैलेंजेस का, जैसे डिप्रेशन, टेंशन, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज एक्सेट्रा। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सेटअप कर रही है वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट इस सेक्टर में फर्दर ग्रोथ के लिए। प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेस जैसे डाबर, हिमालय, वैद्यनाथ, पतंजलि एक्सेट्रा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं ह्यूज फंड्स इस सेक्टर में। योगा टूरिज्म इंक्रीज हो रहा है फॉरेन नेशन से हमारी कंट्री में। देन जो एक्सपोर्ट है हर्बल मेडिसिंस का वो इंक्रीज हो रहा है सिग्निफिकेंटली। हिमालयन रीजन रिच सोर्स है मेडिसिन प्लांट्स का इंडिया में और इंडिया के पास एशियंट नॉलेज है इन हर्बल हर्ब्स की। तो ये सारे फैक्टर्स इंश्योर कर रहे हैं कि इस सेक्टर के पास ग्रेट पोटेंशियल है फॉर दी ग्रोथ। नेक्स्ट इज अदर एरियाज। इसके अलावा और सेक्टर्स जो गवर्नमेंट फोकस कर रही है जिन पे जिन्हें प्रमोट कर रही है, दैट इज सिविल एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, लेदर, मीडिया एंटरटेनमेंट, ऑयल एंड गैस, पोर्ट्स एंड शिपिंग, रोड्स एंड हाईवे, स्पेस, रिन्यूएबल एनर्जी, थर्मल पावर एक्सेट्रा टू स्ट्रेंथन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है वेरियस कंसेशंस इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रिबेट्स, टैक्स हॉलीडे, कंसेशनल लोन्स, एग्जम्पशन फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी, लिबरल फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इजीनेस इन डूइंग बिजनेस। और जो मोस्ट ऑफ दी सेक्टर्स हैं वो ओपन अप कर दिए गए हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए थ्रू ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूट, और ये जो सेक्टर हैं वो डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिए गए हैं। वास्ट नेटवर्क है इंजीनियरिंग कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो हाईली टैलेंटेड वर्क फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को। इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया गया है, हर्डल्स को रिमूव किया गया है फॉर दी ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो सक्सेस है मेक इन इंडिया प्रोग्राम की वो इंडियन इकोनॉमी को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगी वर्ल्ड के लिए और वो बूस्ट करेगी GDP को, पर कैपिटा इनकम को, एक्सपोर्ट को, और जनरेट करेगी ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और ये सब चीज़ें हेल्प करेगी ट्रांसफॉर्म करने में इंडियन इकोनॉमी को फ्रॉम अ डेवलपिंग इकोनॉमी टू अ डेवलप्ड इकोनॉमी इन द ईयर्स टू। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।